हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आर के एंगलर। मेरा पास अभी थ्री आइटम है, थ्री ब्रांड न्यू आइटम है। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका जो फीचर्स है, इसमें आइटम क्या है आपको जो इस वीडियो में। बेट कास्टिंग रील है, एक ब्रेडेड लाइन है, एक बेट कास्टिंग रॉड है। ये तीनों जो है तो प्रीमियम, इसको जो है प्रीमियम आइटम में इसको बोला जाता है। ये अच्छा जो है इसका क्वालिटी है, इसलिए जो है इसका बारे में थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अभी पहले जो है देखेंगे, ये बेट कास्टिंग रील का ब्रांड सीसर मेगा कोडा, अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स में जो है कंटेंट, एक रील मिलेगा, एक यूजर गाइड मिलेगा। यूजर गाइड को साइड में रखेंगे बॉक्स को, फिर इसके बाद इस रील के बारे में देखेंगे। ये लेफ्ट हैंड है, ये सिल्वर कलर में आता है। ये जो है इस टाइप की जो है देखने में जो है, जो खरीदा हुआ या इसका बारे में जानकारी जिसको है एंगलर, उसको देखते ही उसको पता चल जाएगा। लेकिन रियल क्वालिटी जो है जबरदस्त क्वालिटी है। तो इसकी जो बॉडी है तो मेटल बॉडी है। तो इसके ये इसके मेन फीचर्स जो है, इसकी ड्रैग कैपेसिटी 15 kg का इसमें जो है मेंशन किया हुआ रील के अंदर जो है, बकायदा मेंशन है। वो ड्रैग कैपेसिटी 15 kg और ड्रैग साउंड भी इसमें भी क्लिकर साउंड आता है, शायद आपको सुन रहे होगा। ये भी स्पूल टेंशन नॉब का भी, ड्रैग नॉब का भी, स्टार ड्रैग जो है उसका भी क्लिकर साउंड आता है। फिर इसके बाद जो है इसका जो है, यह सिंगल ब्रेक सिस्टम है। यह इसके काली मैग्नेटिक ब्रेक्स है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक्स जो है नहीं है, काली वो मैग्नेटिक ब्रेक है। इसको खोलने का तरीका बताता हूं मैं। तो दूसरा जो है इसके बारे में, जो इसकी जो गियर रेशियो, हाई गियर रेशियो है, हाई गियर रेशियो इसका 6.5:1 है। बॉल बेयरिंग जो है 11+1 बॉल बेयरिंग है, यही है। फिर इसको जो है इसको खोलने का तरीका है, नीचे एक बटन है, इसको सीधा तो पूरा, ये 9 मैग्नेट्स का जो है ब्रेक सिस्टम है, इसमें 9 मैग्नेट्स आता है ये ब्रेक सिस्टम। फिर इसके बाद जो है मैक्सिमम ब्रेकिंग जो है 18 तक है, 18 है, 1 to 18, 0 to 18। इसका मेन जो है, इसमें एक अच्छा फीचर है, ये है डीप स्पूल जो है इसके, डीप है, इसमें लाइन कैपेसिटी ज्यादा है, लाइन बहुत ज्यादा आता है। यह है इंडियन वेरिएंट है। अगर कोई दूसरा फॉरेन वेरिएंट अगर देखा जाए तो उसमें सिंगल हैंडल भी आता है, फिर एक जो है BFS जो है बेट फिनिश सिस्टम का एक रील भी आता है, उसमें लाइन कम आता है। ये डीप स्पूल में जो है, इस वेरिएंट में खाली डीप स्पूल और डबल हैंडल है। दूसरा वेरिएंट में, मेगा कोडा दूसरा वेरिएंट में आता है, ये सिंगल जो जिगिंग के लिए, खास करके जो है जो साल्ट वाटर फिशिंग करता है उनके लिए। फिर इसके बाद जो है इसको बंद कर दे। ये रील तो बहुत स्मूथ है, रील बहुत स्मूथ है। बात देखेंगे, इसको साइड में रखेंगे इसका। सॉरी, अभी मैं इसमें स्पूलिंग करने वाला हूं। एक सीनाइट का जो है मैनस्टर है,
ये पहले मैं बहुत यूज किया था, जब आली एक्सप्रेस जब वर्क करता था उस वक्त मैं आली एक्सप्रेस से मंगाता था, उसके बाद बंद हो गया। तो अभी भी मेरा स्पिनिंग रील में जो है सी नाइट का मैनस्टर से अभी यही रील है। अभी मैं दूसरी बैंगलोर एंगल स्ट्राइक है ना सफी भाई से मैं मंगाया था रील और ब्रेडेड लाइन है ये, इसे आता है 300 मीटर का है, इसका 20.4 केजी है, इसके डाया जो है 28.028 mm है, 328 यार्ड्स का है, 45 एलबी टेस्ट लाइन है। तो ये भी अच्छा लाइन है, पहले क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा बहुत बहुत यूज किया था इसका। इसके बाद में जो है रॉड देखेंगे, इसमें मैं पेयर करने वाला हूं, जो मेजर काफ क्राफ्ट का जो है फर्स्ट कास्ट, ये फास्ट एक्शन रॉड है, ये गाइड्स जितना भी है ये फ्यूजी गाइड है, ये 7 फीट का रॉड है ये, इसका लूर कैपेसिटी जो है, ये लाइन कैपेसिटी जो है 14-30 एलबी है, 7 फीट है, इसका लूर का इसका कास्टिंग वेट जो है 10-84 ग्राम्स है, 10-84 ग्राम्स तक जो है इसमें लूर हम लोग कास्ट कर सकते हैं। ये ऑर्डर किया था, इसने मंगाया था, मैं ये हिल्टो ओशन मुंबई से इस रॉड को जो है मैं परचेज किया था, बाकी वो रील और जो है ब्रेडेड लाइन बैंगलोर एंगल स्ट्राइक सफी भाई से, ये ब्रांड न्यू है, ये टैग भी आज तक मैं इसको यूज नहीं किया, बहुत पहले इसको मंगाया था। इस रॉड के बारे में किसी ने, मैं किसी का भी वो श्रीकांत एडवेंचर ब्रदर है उनका चैनल में किसी ने जो है वो कमेंट किया था इस रॉड के बारे में, बोला इसका जो टिप जो है बहुत वीक, तो हाई एंड रॉड का टिप बहुत ज्यादा जो है वो सॉफ्ट ही रहता है, हार्ड नहीं रहता है, जो ये 1000 रुपया 800 रुपया 1500 रुपया वाला में बहुत टिप हार्ड रहता है, वो आप ले लीजिए, बाकी जिसका मर्जी जो रॉड ले रहे उनको लेने दीजिए, तो आप उसको ले लीजिए 800 रुपया वाला ले लीजिए, ठीक रहेगा। तो इसको जो है अभी स्पूलिंग करने का तरीका तो अभी बताएंगे, इसको ऐसे रहने देना, इसको इसी कवर में ही रहने देना, फिर इसके बाद इसको हल्का सा होल रखना, ये जो केत देख रहा है कोको का और नारियल का, सीधा इसका बगल में ही मेरा घर है, ये हमारा गांव का ये नदी है, ये इसमें स्नेकहेड बहुत ज्यादा है, कभी मैं यहाँ पर आता नहीं था, नजदीक होने से भी नहीं आता था, अभी जो है आना शुरू कर दिया हूँ इसमें। ये बहुत इजी है, इस टाइप का जो है ये, नीचे रख दीजिए इसको, सीधा फर्स्ट गाइड से ही स्टार्ट करना है इसको, रील को जो है गाइड से पास कर देना, जितना भी गाइड से पूरा पास कर देना,
जो नया एंग्लर्स है उनके लिए मैं एक सजेशन, मैं आपको 0.28 mm का जो ब्रेडेड लाइन है उसको यूज करने से क्या होता है, तो नया नया सीखने में क्या थोड़ा आपका ये बैकलास हो जाएगा, तो बैकलास निकालना इतना पतला लाइन से जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा मोटा वाला लाइन जो है आप लोग यूज करना। जब इसकी अगर आपको कास्ट करना आसान हो जाता है तो आप आराम से जो है अपना जो इस टाइप की लाइन जो है आप यूज कर सकता है। इसको क्रॉस करना स्पूल से जो है दो बार क्रॉस करना, स्पूल से दो बार क्रॉस करना, फिर इसके बाद जो है नॉट लगा देना, स्लिप ना हो ऐसा नॉट लगाना, आपको स्लिप नहीं होना चाहिए। ये लाइन का स्पूलिंग तो हो गया, अभी जितना है पावरफुल नहीं कास्टिंग जो है करके देखेंगे। वाह बहुत नाइस कास्टिंग है, बहुत स्मूथ है। इस प्राइस रेंज में जो है 3500 में जो रील हिट ठीक है, इसको जो है अभी कुछ दिन के बाद यूज करके जो है इसका रिव्यू मैं दूंगा। मिस हो गया, स्ट्राइक मिस हो गया। यहां तक जो है वीडियो समाप्त करते हैं, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।